Bismillahirrahmanirrahim. Prime Minister Saab, Chief Minister Saab, Governor Saab, distinguished guests, जो KTH का स्टाफ है, अस्सलाम वालेकुम. सर, मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपका टाइम कीमती है. मैं बहुत जल्दी से आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और थोड़ा सा जो हमने पिछले साल में हेल्थ पे काम किया और जो हमारे अगले दो साल की विजन है, क्योंकि मुझे पता है कि हेल्थ आपकी प्रायोरिटीज़ में नंबर वन है और उसके साथ जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब की हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ पे नंबर वन. आगे जाएं जी. सर, KTH जैसे आपको पता है कि पेशावर के तीन बड़े टर्शरी हॉस्पिटल्स में से है, और पिछले साल जब हम तकरीबन इस वक्त में काम कर रहे थे तो चीफ मिनिस्टर साहब की विजन थी, क्योंकि कोविड का एक ग्लोबल पैंडेमिक था, कि अगले 12 महीने में हम हेल्थ सिस्टम में जितना भी काम कर सके वो करें. ये जिस स्पेस में आप बैठे हैं इसकी मैं आपको पहले हालत दिखाऊंगा, बट दिस वाज 110,000 स्क्वायर फुट ऑफ अनयूटिलाइज्ड स्पेस जो कि 1.3 बिलियन रुपीस पे रिवैम्प हुआ है पिछले साल. जो है आपने जब डायरेक्शन दी, जब चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, तो इसको एक्स्ट्रा फंडिंग दे के इसको एक्सपेडाइट किया, और इसने पूरी हॉस्पिटल में जितनी कैपेसिटी बढ़ाई है, 90 OPD रूम्स, ऑपरेशन थिएटर्स, पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक, एक एम्प्लॉयज़ के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट कैफेटेरिया, एक आई थिंक द बेस्ट लॉन्ड्री इन द प्रोविंस, फार्मेसी, CSSD, ये सारी फैसिलिटीज़ दे दी, जो इस हॉस्पिटल के कंप्लीट रिवैम्प का पहला हिस्सा था. सर, ये काम एज टीम्स होते हैं, इसका क्रेडिट सिर्फ हम नहीं ले सकते, हमारे पिछले हेल्थ मिनिस्टर शाहराम साहब भी जो है यहाँ पे बैठे हैं, हमारे पिछले बोर्ड चेयरमैन जो आपके स्पेशल असिस्टेंट हैं फैसल सुल्तान साहब, जिसने इन पे काम किया, उनको भी इसका क्रेडिट जाता है, और ऑब्वियसली जो हॉस्पिटल की टीम है उनको भी इसका क्रेडिट जाता है. दिस इज़ अ जॉब वेल डन, एंड वी आर प्राउड कि ये पेशावर की फैसिलिटीज़ में एक बहुत बड़ी एडिशन है. सर, दिस इज़ बीन, आगे जाएं, पार्ट ऑफ अ पोर्टफोलियो ऑफ वर्क दैट हैज़ बीन डन इन द नेक्स्ट ईयर. पहले तो आप ये देख लें, ये जो लेफ्ट को था ये स्पेस थी जो कि अभी 1 लाख फुट ट्रांसफॉर्म हो गई है इनटू व्हाट यू आर सिटिंग इन टुडे. आगे जाएं. सर, आप खुद 3-4 बार आए हैं, ये सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने पिछले 12 महीनों में कंप्लीट किए हैं. आपने पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह किया, लेडी रेडिंग में एक 500 बेड का सर्जिकल ब्लॉक जो कि अभी इतना कीमती है कि वो 400 कोविड के पेशेंट्स उन्होंने लिए हुए हैं, विच इज़ द हाइएस्ट इन द एंटायर कंट्री. सर, इसी हफ्ते में चीफ मिनिस्टर साहब ने 1 चारसदा में 200 बेड वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल था, एक अस्पताल में DHQ में 200 बेड ब्लॉक था. यही वो कैपेसिटी है जिसकी वजह से इमेंस स्ट्रेन के बावजूद हमारी कोविड में जो है सिस्टम जो है वो कोप कर रहा है. सर, सवाबी में हमने इसी साल में 160 बेड्स के 4 वार्ड्स का इफ्तिताह किया, एंड हैव मेड दैट द 10th MTI, और वो भी अभी जहाँ पे 10 पेशेंट्स कोविड के ले रहा था अभी 100 से ज़्यादा ले रहा है. और उसके अलावा इन बड़े जो नए प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन में 10 प्रोजेक्ट्स, 10 हॉस्पिटल्स हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक्स फाटा में और चित्राल में दिए हुए, एंड दे आर ऑल्सो नॉट ओनली अ ग्रेट एडिशन टू आर कैपेसिटी बट ऑल्सो अ ग्रेट विजन इन टू द वे फॉरवर्ड. सर, इसके अलावा हम, आपने देखा है, क्योंकि ये सिस्टम तभी चलेगा जब हम इसको डिवॉल्व करेंगे, इन सब के बोर्ड्स पे काम किया और पूरे हेल्थ के गवर्नेंस पे काम किया है. हेल्थ फाउंडेशन का बोर्ड बनाया, हेल्थ केयर कमीशन का नया बोर्ड बनाया, HR इशूज के लिए MTI ट्रिब्यूनल जो है वो एक्टिव हुआ है. सो वाइल हेल्थ सिस्टम में जितना भी काम हो वो कम होगा, हमारे जैसे सिस्टम में इश्यूज जो है वो होंगे, लेकिन पिछले 5 साल में भी काम हुआ, पिछले साल में भी काम हुआ, और इंशाल्लाह आगे भी होगा. मैं आपको 2-3 मिनट में वो आगे का जो है वो काम और थोड़ी सी 1-2 अचीवमेंट्स पे झलक दिखाना चाहता हूँ. सर, जो आपका जिस एक प्रोजेक्ट जिस पे आप बात करते हैं, आगे जाएं प्लीज. सर, हेल्थ कार्ड, इस हॉस्पिटल में हेल्थ कार्ड से इलाज होता है, सारे हॉस्पिटल्स में होता है. ये वो डेटा है जो माहवार जो नए हेल्थ कार्ड की यूटिलाइजेशन है. सर, वो नवंबर में चूंकि एक रीजन था, 5,000 लोगों पर मंथ से शुरू हुई, इट्स ट्रीटिंग ओवर 40,000 पेशेंट्स अ मंथ. दैट मींस के 5 लाख से ज़्यादा लोग साल में हेल्थ कार्ड से मुस्तफीद होंगे विद बिग ऑपरेशंस लाइक हार्ट सर्जरीज. आज सुबह मेरे घर में एक बुजुर्ग आया ओनली टू थैंक यू एंड द गवर्नमेंट. उसका हार्ट बाईपास ऑपरेशन हुआ था जो सालों से पेंडिंग था, 3 लाख का. ही सेड द प्राइम मिनिस्टर एंड दिस गवर्नमेंट हैज सेव्ड माई लाइफ. सर, 10,000 से ज़्यादा हार्ट प्रोसीजर्स इन द लास्ट 3 मंथ्स हुए हैं.
not just at public hospitals, in the best private hospitals. Aur inshallah is budget mein humne liver transplant, humne blood transfusion services, humne bone marrow transplant, ye additional services bhi health card mein add karni hai aur uski regulation aur bhi behtar karni hai. Aage jaye please. सर हमने इस टाइप के हाई इम्पैक्ट कदम लेने की कोशिश की है. पहली बार हुआ होगा हमने हेल्थ के सारे एम्बुलेंसेज रेस्क्यू 1122 सर्विस को दे दिए एंड ओवर द लास्ट 3 मंथ्स बिकॉज उनकी स्पेशलाइज्ड सर्विस है वो जो 350 एक्स्ट्रा एम्बुलेंसेज हैं दे हैव कैरिड आउट मोर देन 12,000 पेशेंट शिफ्ट्स बोथ विद इन द डिस्ट्रिक्ट्स एंड आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द प्रोविंस. इस टाइप की चीज़ें हेल्थ सिस्टम को तब्दील कर रही हैं. नेक्स्ट सर प्राइमरी साइड पे हमने फोकस किया है बिकॉज हमारा बहुत बड़ा फोकस जैसे सजाद ने भी पहले बात की अभी तक ऑपरेशनल मैनेजमेंट पे सिस्टम के उस तरीके से नहीं होता था. ये हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन की कवरेज है जो कि टिपिकली 60% पे एवरेज करती थी जो कि चूंकि इसको हम हर महीने प्राइमरी हेल्थ केयर में देखते हैं वो तकरीबन 90% तक चली गई है. आगे जाए सर सिमिलरली प्राइमरी साइड पे ये चीफ मिनिस्टर साहब का एक खास फोकस है कि हर हॉस्पिटल में मेडिसिन अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. सर प्राइमरी साइड पे बीएचयूज आरएचसीज पे मेडिसिन अवेलेबिलिटी 60% से ज़्यादा नहीं होती थी आप देख सकते थे. पहली बार ओवर 80% हिट की है. देयर स्टिल अ लॉट टू डू. हमारे सेकेंडरी साइड को अभी भी बहुत बड़ा मसला है इंशाल्लाह उस पर हम इस साल फोकस करेंगे. आगे जाए सर दीज आर सम ऑफ द बिग थिंग्स जो इंशाल्लाह हमने अगले 2 साल में करने हैं so that much more of the system can look like this place in KTH that we can be proud of, that we can leave as a legacy. Sir, MTI is hamare system ka cornerstone hai. Un pe operationally plus capex ke liye humne 2 saal mein 70 arab rupaye lagane hain. Takriban 30 arab rupaye per year waise hi lagte hain. Agar hum 10 arab rupaye extra laga de to jo sare hamare MTIs hain unki jo badi investments hongi wo complete ho jayengi. Those will be the jewel in the crown of the public sector system. Sir, Chief Minister साहब का vision था कि हमारे पास चूंकि resources कम हैं हम public-private partnerships को इस्तेमाल करें. So we've agreed कि हम 4 बड़े hospitals, bringing big investors in the 4 regions of the province, इफ्तिताह उनका करेंगे पिशावर में, north में, हजारा division में और एक south में लकी मरवत में. Sites identified हैं और आपको पता है चूंकि हमारे पास अभी health card है और वो वैसे ही 30-40% पेशेंट्स की हेल्थ नीड्स को फाइनेंस कर देता है. दैट विल मेक इट वेरी अट्रैक्टिव फॉर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स. और इसके लिए हमने ये फैसला किया है, चीफ मिनिस्टर साहब ने अप्रूवल दिए कि हम वर्ल्ड बैंक का जो प्राइवेट सेक्टर आर्म है IFC उनको एज ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स लेंगे ताकि द बेस्ट इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड कैन कम इन टू बिल्ड दीज हॉस्पिटल्स फॉर अस. सो ऑपरेशनल बजट हमने बढ़ाना है सारे हॉस्पिटल्स के लिए और उनको ऑटोनमी देनी है और डेवोल्यूशन पे काम करने जो हम फैसल साहब के साथ साथ पे काम कर रहे हैं. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मैंने बात की, बड़े प्रोजेक्ट्स की बात की. जो हमारे ये 10 छोटे हॉस्पिटल्स भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे चल रहे हैं, वी रियलाइज कि हमारी जो पेरिफरी में कैपेसिटी है जो नहीं चल सकती, पिशावर की पेरिफरी में भी हम मसले फेस करते हैं. द बेस्ट वे ऑफ एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग दैट इज कि वहाँ पर हम पार्टनर्स लें और वो हमारे साथ काम करें. तो जो डॉक्टर्स जो है वो शायद सरकारी तनख्वाह पे वहाँ काम नहीं करते, जब वहाँ पे वन लाइन बजट ट्रांसफर्स होंगे तो वो कर रहे हैं. उस पूरे पोर्टफोलियो पे हम काम कर रहे हैं. इंशाल्लाह विद इन अ मंथ उसकी हम पॉलिसी कैबिनेट से अप्रूव करके दिस नेक्स्ट 12 मंथ्स शुड बी द ईयर ऑफ मेकिंग दैट ऑपरेशनल. और फाइनली जो हेल्थ में एक बहुत बड़ा चैलेंज है HR मैनेजमेंट का, हमारे पास 80,000 लोग होते हैं. कुछ काम हमने किया है, कुछ हम कर रहे हैं. सर कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग हमें करनी पड़ेगी, उसके फ्रेमवर्क के लिए हम काम कर रहे हैं. लोकम का एक फ्रेमवर्क जैसे UK में होता है वो हमने ऑलरेडी बनाया है. जैसे आप हमेशा बात करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे हमने काम करना है. बावजूद इसके कि बहुत इस पर कोशिश हुई है, अभी तक वी डोंट रियली हैव एन HR डेटाबेस ऑफ दीज 80,000 पीपल. वो डेटाबेस पे आएंगे तो हमें पता होगा कि कौन कहाँ पे पोस्टेड है, वो पोस्टिंग एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा. दैट्स अनदर माइलस्टोन जो पूरे सिस्टम के गवर्नेंस को बेहतर कर की पोजीशंस में सक्सेशन प्लानिंग. और फिर जो बाकी मैं कहता तो रूटीन के प्रोग्राम्स हूँ लेकिन बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, पोलियो, रूटीन इम्यूनाइजेशन, जो हमारे सारे बड़े और छोटे हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी ऑपरेशनल कैपेसिटी है उसकी मंथ ऑन मंथ मैनेजमेंट से हमने प्राइमरी चेंज सर्विस डिलीवरी में लाना है. और उसके लिए जो हमारा डेवलपमेंट साइड पे भी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, दैट इज द रिवैम्प ऑफ ऑल 32 बिग सेकेंडरी हॉस्पिटल्स
यूजिंग IDAP जो फेडरल गवर्नमेंट भी इस्तेमाल करना चाहती है एट अ कॉस्ट ऑफ 13 बिलियन, जिसमें आप फेडरल साइड से भी 5 अरब रुपए लगवा रहे हैं. तो इंशाल्लाह इफ वी कैन मूव ऑन दैट इन एक्सप्रेस स्पीड एंड स्पेंड दैट 13 बिलियन, तो हमारे पास 10 MTIs और 32 DHQs का 42 हॉस्पिटल्स का एक नेटवर्क होगा जो कि कॉम्प्लेक्स जो प्रोसीजर्स हैं उसके लिए केटर करेगा. आई थैंक यू फॉर कमिंग एंड ऑनरिंग अस एज ऑलवेज सर. द फ्लोर इज बैक. थैंक यू वेरी मच.